गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमारा जो आज का और एक नया लाइव वीडियो है आपके लिए, बहुत ही छोटा ऑपरेशन है जिसको हम लोग डीएनसी बोलते, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, या डीएनई बोलते, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन। तो इसमें क्या है कि मानो अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए और आपका बच्चा 2 महीने का हुआ है, मानो कि 7 वीक्स प्लस है, 8 वीक्स है, 9 वीक्स है, तो उस केस में आपका टैबलेट से एबॉर्शन नहीं होता है, तो उसको हम लोग सर्जिकल एमटीपी बोलते, जिसको डीएनसी बोलते, बहुत छोटा ऑपरेशन रहता है। वो जो बच्चे का सब पार्ट्स है या वो मटेरियल है, हम लोग वो नीचे से निकालते, पेशेंट के बॉडी को कट नहीं आता है। या फिर बहुत सारे पेशेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर 2 महीना हो गए, 2.5 महीना हो गए, 3 महीना हो गए और हमारे बच्चे का हार्ट बीट रुक गया, जिसको डेड प्रेगनेंसी बोलते हम लोग, मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। तो उस केस में हम लोग वो जो मटेरियल है वो नीचे से आपके सर्विक्स और वजाइना से हम लोग निकालते हैं, वो ऑपरेशन का नाम है डीएनसी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वो डीएनसी ऑपरेशन एक्चुअल में कैसे करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत डर बैठा रहता है मन में कि ऑपरेशन का नाम लिया कि डर जाते हैं, तो ये जो है ऑपरेशन मिसनोमर है, बहुत ही छोटा ऑपरेशन है। आपको सलाइन में से इंजेक्शन देते, आपको नींद आ जाती और वो सब मटेरियल हम लोग नीचे से निकालते हैं। तो हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑपरेशन के पहले हम लोग को स्क्रब करना रहता है, जिसको हैंड वॉश बोलते हैं हम लोग। तो हैंड वॉश कर रहे हैं हम लोग कम से कम 3 से 4 बार, तो ये हैंड वॉश करना है। असेप्टिक प्रिकॉशन आपको फॉलो करने हैं पूरे। सिर्फ ये है कि सिजेरियन के जैसे ये ऑपरेशन में हम लोग आपकी बॉडी को कट नहीं करते, तो इतना मेजर इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बोला था, अभी हम लोग ये डीएनसी करके ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। ये हमारे एनेस्थेटिस्ट है डॉक्टर खामकर करके, इन्होंने अभी एनेस्थेशिया दिया है। इसमें एनेस्थेशिया कौन से देते हम लोग, एक शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया रहता है, सलाइन में से इंजेक्शन लगाते ये लोग, पेशेंट को नींद आ जाती और टेम्पररी पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन देते, जिसको वो वेंटिलेशन बोलते हैं। 15 से 20 मिनट में ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सक्शन का पाइप है, ये सक्शन के मशीन को कनेक्टेड है, ये हमारे पेन के जैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, इसको सक्शन कैनुला बोलते हैं हम लोग। ये हम लोग ये सक्शन के मशीन को अटैच कर देते हैं, जिससे सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है। जब हम लोग अंदर इंसर्ट करते हैं, वो सब मटेरियल सक्शन के प्रेशर से निकल जाता है। ये ऐसे नॉन ट्रॉमेटिक एकदम ब्लंट सिम्स इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ये हम लोग अंदर इंसर्ट करते हैं और सर्विक्स को कैच करते हैं। ये ऑपरेशन जो है वैसे रहता बहुत छोटा है, लेकिन बेसिकली हम लोग प्राइवेट पार्ट्स में ऑपरेट करते पेशेंट के, तो पेनफुल रहता है, इसलिए इसको विदाउट एनेस्थेशिया आइडियली नहीं करना है। अंडर एनेस्थेशिया अगर किया तो अच्छे से वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है, पेशेंट एनेस्थेशिया की वजह से पूरी रिलैक्स हो जाती, उसकी बॉडी रिलैक्स होती है, मसल रिलैक्स हो जाते और सब वो मटेरियल निकालने के लिए हम लोग को आसान जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं वल्सेलम, ये सर्विक्स कैच करने का इंस्ट्रूमेंट है। इससे मैंने सर्विक्स कैच किया है। अभी सर्विक्स ओपन होने के लिए ऑपरेशन के 2 घंटा पहले हम लोग दवाई देते या कुछ कुछ इंजेक्शन देते हैं, जिससे सर्विक्स ओपन हो जाए। ये डायलेटर करके पेन के जैसे इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम लोग ये सर्विक्स को थोड़ा डायलेट करते हैं, जो कि अंदर जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। इसमें देखो, मैंने कहीं पे भी ब्लेड यूज़ नहीं किया है या सीजर भी यूज़ नहीं किया है, इसकी वजह से आपकी बॉडी को कट नहीं आता है। सर्विक्स का जो नेचुरल ओपनिंग है, इसको मैं सिर्फ डायलेट कर रही है पेन के जैसे इंस्ट्रूमेंट से। अभी मैंने वो प्लास्टिक का कैनुला अंदर डाला है, अभी सक्शन ऑन कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वो मटेरियल पूरा बाहर निकलता है। आपको देखो आवाज़ आ रही, ये जो व्हाइट कलर की ट्यूब है, इसमें ये रेड कलर का अंदर का मटेरियल दिख रहा है, देखो। तो ये हम लोग धीरे धीरे पूरा निकालते हैं अंदर से। काफ़ी बार पेशेंट बोलते हैं कि हम लोग को बेबी दिखाओ, लेकिन ये टाइम पे बेबी इतना फॉर्म भी नहीं रहता है और हम लोग उनको इंटैक्ट दिखा भी नहीं सकते, ऐसे मटेरियल बाहर निकलता है। तो ये प्लेसेंटा का थोड़ा सा पार्ट है,
तो ये टुकड़े टुकड़े करके ही निकालना पड़ता है। देखा जाए तो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन इसमें भी कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क रहती है। बहुत फोर्सफुली अगर ये सक्शन किया तो कभी कभी यूट्रस रप्चर हो सकता है, या फोर्सफुली क्यूरेट किया तो भी यूट्रस रप्चर होता है। कभी कभी मटेरियल अंदर रहा तो वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन करके रहता है, पेशेंट को ब्लीडिंग चालू रहता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें भी। प्लस पूरा असेप्टिक प्रिकॉशन फॉलो करना रहता है, नहीं तो इन्फेक्शन की रिस्क रहती है। अभी ये जो पेशेंट थी ये 8 वीक्स का प्रेगनेंसी था इसका, और ये जस्ट न्यूली मैरिड थी तो इसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी, तो हम लोग इसका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर रहे हैं। लेकिन ये सर्जिकल एमटीपी है, क्योंकि टैबलेट जो है 7 वीक्स तक अच्छे से काम करती है। 7 वीक्स के ऊपर अगर वो बेबी रहा तो वो टैबलेट से अबॉर्शन नहीं होता है, उसमें हम लोग को ऐसे ऑपरेशन से वो बच्चा निकालना रहता है। ये क्यूरेट करके इंस्ट्रूमेंट है, एंड में हम लोग क्यूरेट करते, यानी पूरा 100% क्लीन करते वो यूट्राइन वॉल को जो चिपका हुआ रहता है, जो बच्चे का मटेरियल बोलते हैं हम लोग, बच्चा जो बेड को चिपकता है जिसको प्लेसेंटा या डेसिडुआ बोलते हैं, वो यूट्रस के वॉल को चिपका हुआ रहता है, तो उसको हम लोग ऐसे ग्रेटिंग सेंसेशन जब तक हम लोग को नहीं आता है, पूरा कंप्लीट हुआ है नहीं, ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तब तक क्यूरेट से निकालते। तभी अपना प्रोसीजर ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आया है। ये चेक सेक्शन करते हैं कि एंड में कुछ रहा तो नहीं है ना, उसके लिए। अभी क्या है कि ये ब्लाइंड प्रोसीजर बोलते हैं हम लोग। ब्लाइंड यानी क्या, अंदर क्या है, अंदर से कितना निकाला है, वो हम लोग को बाहर से समझ में नहीं आता है। जैसे सिजेरियन में हम लोग कट करते, बच्चा निकालते और प्लेसेंटा भी निकालते, यहाँ पे कट नहीं है, दिस इज़ अ ब्लाइंड प्रोसीजर। इसलिए हम लोग ये पेशेंट जब भी डिस्चार्ज करते हैं तो सोनोग्राफी करके ही डिस्चार्ज करते पेशेंट को, कि इसका सब मटेरियल ठीक से निकाला है या नहीं पूरा। तो अभी पेशेंट एनेस्थेशिया से आउट आएगी, हार्डली 10 मिनट्स में ऑपरेशन ख़त्म हुआ है। 2 घंटा ये पेशेंट को हम लोग सलाइन चालू रखते, 2 घंटे के बाद पानी वगैरह स्टार्ट करते और 4 घंटे के बाद डिस्चार्ज करते हैं। पेशेंट कल से उसका सब घर का काम, ऑफिस का काम कर सकती है, रात को वो सॉफ्ट डाइट लेती। तो बहुत ही छोटा सा ऑपरेशन है जिसमें आपके बॉडी को कट नहीं आएगा, आपका जो नेचुरल ओपनिंग है वहाँ से हम लोग वो सब मटेरियल बाहर निकालते हैं। फ्रेंड्स, अपना जो आज का व्लॉग था कि ये DNC ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसको एनेस्थेशिया कितना देते हैं, कितने टाइम के लिए देते हैं, और वो ऑपरेशन में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, ऑपरेशन के बाद आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें हम लोगों ने आज के लाइव वीडियो में देखी। होप्स हो कि आपको वो वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर करो और हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहो। थैंक यू।